क्लियर है? हेलो हेलो, ऑल सेट। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज हम वोकैब सेशन में है और आप सभी की रिक्वेस्ट थी कि सर न्यूज़पेपर वोकैब आप स्टार्ट कर दो। सो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज के ही सेशन से न्यूज़पेपर वोकैब। आज मैं आपको 20th, आज की हमारी डेट है, सो 20th जून की, मैं आज द हिंदू, अगर आपने न्यूज़पेपर पढ़ा होगा सो उससे मैं आज आपके लिए वोकैब कराने वाला हूँ। वहाँ से मैंने वो वर्ड्स उठाए हैं जो वोकैब के लिए ज़रूरी हैं और जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। देखो डियर, वोकैब हमेशा याद रखना दो टाइप की होती है। एक होती है ट्रेडिशनल वोकैब, ट्रेडिशनल मतलब जो आता रहा है उसी कंटेंट से आएगा, ये तय है। दूसरी होती है जो वोकैब आपकी करंट वोकैब है, करंट से रिलेटेड आप घुमा के बोलो न्यूज़पेपर वोकैब। सो आपका गुरु दोनों में आपके साथ है। क्लियर हो गया? सेहत मेरी थी थोड़ी सी डाउन है, गला एक्चुअली बहुत खराब है तो आवाज एडजस्ट करना। क्लियर हो गया? सो अगर आवाज एडजस्ट करना थोड़ी गले की, बाकी सब फर्स्ट क्लास है, सब सही चल रहा ना। हेलो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप सब तो ठीक हो? मेरा गला खराब है, आप सब तो ठीक हो? तो बोलो के दिखाओ एक बार, गला ठीक है तो भारत माता की ये हुई ना बात, गला ठीक है। चलिए डियर, अब स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। जो आज मैं कराने वाला हूं आपको, द हिंदू की वोकैब मैंने अभी जस्ट जिक्र किया, आज का ही न्यूज़पेपर है, आज की ही 20th की ही मैं जून की वोकैब उठा रहा हूं। आज हमारी 20 तारीख हुई है, सो 20 तारीख की ही मैं वोकैब उठा रहा हूं आज के जो न्यूज़पेपर से है। बेहतरीन बेहतरीन वोकैब इकट्ठे करता हुआ चलूंगा, द हिंदू, रूट मेथड, स्टोरी टेलिंग, सबसे वोकैब करते हुए चलेंगे। सो चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, अब टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखो, अगर आपने द हिंदू न्यूज़पेपर पर नजर डाली होगी तो आपको ये वर्ड्स नजर भी आए होंगे। दूसरी बात डियर, जो सीजीएल जिनको करना है वगैरह बच्चों, उनको लिए सीपीओ, सीडीएस, स्टेनो, एफकेट वगैरह, उन बच्चों के लिए द हिंदू पढ़ने या एडिटोरियल पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिनको बैंकिंग या सिविल सर्विसेज के लिए जाना है, द हिंदू मस्ट हो जाता है मेरे बच्चे उनके लिए। सो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, वहां से आपको हिंट तैयार हो जाएगी, वो कैब आपका गुरु आपको साथ लेते हुए चलेगा। दूसरी मेन इंपॉर्टेंट बात, जो मैं आज वर्ड्स कराऊंगा इनकी आपको स्क्रीन पे पूरे प्रॉपर वर्ड्स, ये इनकी पीडीएफ कहो या इमेज कहो, आपको मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पर मिल जाएगी। टेलीग्राम में आप जाके मुझे ज्वाइन करो, वहां पर मैंने आज ये सुबह ही अपलोड कर दी थी। क्लियर हो गया? लाइव हम रात को आ रहे हैं भले ही, बट वो मैंने पिक्चर सुबह ही अपलोड कर दी थी, वहां जाके वो भी देख लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब वो कैब। तो मैंने बोला द हिंदू वो कैब है डियर, ये मार्कर नहीं चल रहा, इसको चेंज करो यार, इसमें तो है ना इंक। चलिए, मैंने इसको बोला डियर ये है हमारी आज की द हिंदू वोकैब। ठीक है, तो देखते हैं, सबसे पहला वर्ड आपने ध्यान दिया हो तो अभी आपको पता है, जैसे वर्ड मैं बोलता हूं आपको मीनिंग पता है तो बहुत अच्छी बात है, वरना डियर सुनते हुए चलना। कमेंट्स पे मेरे बच्चे में कम ध्यान दूंगा, अब मैं सेशन स्टार्ट कर रहा हूं तो एकदम से बस वर्ड्स कराते हुए चलूंगा। देखो, सबसे पहला वर्ड आपने आज देखा होगा पेनिनसुला। ठीक है, वर्ड आया होगा पेनिनसुला। अब ये सर पेनिनसुला क्या होता है, ध्यान दो, पेनिनसुला एज अ नाउन यूज किया जाने वाला वर्ड है, पहली बात में डियर। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो आपके पास एक पीस ऑफ लैंड है, ये लैंड है, ठीक है, इस लैंड के आजू बाजू जो है वॉटर है, पानी है, आसपास इसके पानी है, और यहां पर ये अपने आप में एक पीस ऑफ लैंड है, इस पीस ऑफ लैंड को ही हम बोलते हैं क्या, पेनिनसुला। So, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, डस्टर एक मिनट उठाने दो, पेनिनसुला का मतलब क्या होता है, पेनिनसुला यहां मीनिंग देके चलेगा, यहां मीनिंग देके चलेगा डियर, कि कोई भी एक पीस ऑफ लैंड है जिसको क्या किया है, कवर किया है चारों तरफ से पानी ने, चारों तरफ से हो या ज्यादातर उसका हिस्सा पानी ने कवर किया हुआ है, उसको बोलते हैं हम पेनिनसुला। तो अगर मैं इसको बोलूंगा तो क्या बोल दूंगा, आ पीस ऑफ लैंड, अ पीस ऑफ लैंड Almost surrounded by water. ठीक है, almost लिख रहा हूं my dear, जरूरी नहीं है सारा कवर हो, a piece of land almost surrounded by water. So इसके example की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि जिसके example की जरूरत होगी उसी का मैं example लिखूंगा dear. इसके example की आपको कोई भी जरूरत नहीं है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आपसे ये examiner पूछेगा पेनिनसुला क्या होता है। आसान हो गया, मैं अगले वर्ड पे चलूं। ठीक है, फास्ट तो नहीं है, मैं थोड़ा सा फ्लो बना रहा हूं, क्योंकि ये वोकैब जो है सिर्फ सुनने लायक है, इनके एग्जांपल्स की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, तो पेनिनसुला समझ में आ गया। नेक्स्ट देखो डियर, एक फ्रेज यूज हुई थी ऑन ट्रैक, आपने सुना भी होगा ये फ्रेज यूज हुई थी ऑन ट्रैक, जैसे हम बोले
यार ये काम कब तक खत्म करोगे? आपने बोला वी आर ऑन ट्रैक, इसका मतलब हम उस काम की तरफ, उस प्रोग्रेस की तरफ बढ़ रहे हैं। सो ऑन ट्रैक का मतलब होता है डियर मेकिंग प्रोग्रेस, मेकिंग प्रोग्रेस, कि आप काम की तरफ बढ़ रहे हैं, आप प्रोग्रेस पर हैं। एंड लाइकली टू सक्सीड, मैं ब्लू से भी लिख देता हूं, एंड लाइकली टू सक्सीड, और आप सफल भी होने वाले हैं, उसके लिए यूज कर लिया जाता है हमारा ऑन ट्रैक। अरे यहां ध्यान दो, शनिवार रात तेनु नींद नहीं आती वो कैप पे ध्यान दो आज, ठीक है जी। सो मेकिंग प्रोग्रेस एंड लाइकली टू सक्सीड, आप किसी चीज में सक्सीड, सफल होने वाले हैं, उसकी तरफ आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, उसके लिए हमने ये बोल दिया ऑन ट्रैक हम यूज करते हैं। जैसे डियर, मैंने बोला वी आर ऑन ट्रैक, वी आर ऑन ट्रैक टू मेक द रिकॉर्ड प्रॉफिट। सपोज करो आपकी कंपनी बहुत प्रॉफिट कमाने वाली है, ठीक है, टू मेक द रिकॉर्ड प्रॉफिट, जो भी आपने प्रॉफिट लिया है उस प्रॉफिट को आप अचीव करने वाले हैं। सो आप बोल दोगे वी आर ऑन ट्रैक, हम उस तरफ, उसके लिए ऑन ट्रैक हैं, उसी रास्ते पर चल रहे हैं। सो मेकिंग प्रोग्रेस एंड लाइकली टू सक्सीड, उसके लिए फ्रेज क्या यूज कर ली जाती है, ऑन ट्रैक। दो चीजें आसान हुई, पेनिनसुला बच्चे एक लैंड है जो ज्यादातर पानी ने घेरी हुई है, उसको पेनिनसुला बोल देते हैं, ठीक है। इसके लिए आप चाहिए तो मैं आपको इमेज लगा देता हूं, एक बार पेनिनसुला की एक इमेज मैंने दी थी ना शायद आपको, बच्चों को लगा पूरी स्क्रीन पे लगा दो, देखो एक बार डियर आप पेनिनसुला की एक इमेज देखो। देखिए ये थी पेनिनसुला, पेनिनसुला वही है पीस ऑफ लैंड जो आजू बाजू किसने घेरा हुआ है, जिसको पानी ने घेरा हुआ है। ऑन ट्रैक मैंने बोल दिया, सिंपल हो गया। नेक्स्ट देखो, थर्ड वर्ड पे बढ़ते हैं, ध्यान से समझते हुए चलो मेरे बच्चे, बैच का देखो फिर आप पूछ रहे हो बैच, डियर अभी 10-12 दिन में आ जाएगा, मतलब अगले महीने में, बचे कितने दिन हैं, अगले महीने में आपका आ जाएगा, फर्स्ट वीक में आ जाएगा, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखो, ये वर्ड है, ये वर्ड है लाइसेंस, ये वर्ड है लाइसेंस। अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है, देखो लाइसेंस को सबसे पहली बात आप यूज करते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन, लाइसेंस जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच में एज अ नाउन यूज किया जाने वाला वर्ड है। अब लाइसेंस का मतलब क्या होता है, इसका हिंदी से मीनिंग रिलेट करना क्योंकि आसान पड़ेगा। इसको आप अगर इंग्लिश लैंग्वेज में देखोगे तो आप इसको कह सकते हो लिंक बिटवीन, लिंक बिटवीन, ठीक है, किसी के भी बीच में लिंक होना। लिंक को क्या बोलते हैं, मेल जोल होना। अगर इसको आप हिंदी टाइप में रिलेट करोगे ना तो आप इसको कह सकते हो मेल जोल होना, ठीक है ना मेरे भाई, मेल जोल, लिंक बिटवीन। अब ये लिंक बिटवीन किस किस के बीच में हो सकता है बच्चे, लिंक किसी में भी कर लो, या तो पीपल के बिटवीन हो, या ग्रुप्स के बिटवीन हो, या कंट्रीज के बिटवीन हो। सो अभी फिलहाल न्यूज़पेपर में क्या छाया हुआ है, इंडिया एंड चाइना, ठीक है, वो उसके लिए हम उसमें यूज कर सकते हैं कि इंडिया और चाइना के बिटवीन जो क्या है, लाइसेंस है या नहीं है, देर इज अ लैक ऑफ लाइसेंस बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। मैं कहूंगा मेरे भाई कोई मेल जोल नहीं हमारा उन गद्दारों के साथ, हमारा कोई मेल जोल नहीं है। सो मैं कह सकता हूं देयर इज नो लाइसेंस बिटवीन इंडिया एंड चाइना, इस तरीके से आप न्यूज़पेपर में ये वर्ड यूज किया हुआ देखते हो जो एज अ नाउन यूज होगा डियर, जिसका मीनिंग आप रिलेट करते हुए चल लेना, आसान हो गया ना तीनों वर्ड। चलिए डियर, तो लाइसेंस का मतलब मेल जोल लेके चलो, लिंक बिटवीन पीपल ग्रुप्स कंट्रीज किसी तरीके से भी आप देख सकते हो। चलिए मेरे भाई बात करते हैं फोर्थ वर्ड की। देखो फोर्थ वर्ड था, अब इसको ध्यान देना मैं ब्रेक डाउन करके लिखूंगा, डी लिखा फिर इसको अलग अलग से पढ़ना, जैसे जैसे मैं लिख रहा हूं बेटा कमेंट रोक दो सेकंड, अलग अलग से पढ़ना। देखो डी अलग देखो, मिलिट्राइज, मिलिट्राइज, मिलिट्राइज मतलब मिलिट्री भेज रहे हो, डी मिलिट्राइज मतलब मिलिट्री वहां से क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। सो मिलिट्री को हटा लेना, बट ये एज अ वर्ब यूज होता है डी मिलिट्राइज, डी मिलिट्राइज, मिलिट्राइज को मिलिट्राइज करना, मिलिट्री भेज रहे हो किसी एरिया में, डी मिलिट्राइज वहां से मिलिट्री क्या कर रहे हो, हटा रहे हो। सो आप कह सकते हो रिम्यूव मिलिट्री, मिलिट्री को क्या करना, हटाना डियर, मिलिट्री फोर्सेस को हटाना, रिमूव मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम एन एरिया।
किसी भी एरिया से मिलिट्री फोर्सेस को हटा लेना। सपोज कोई एरिया था, उसमें मिलिट्री फोर्सेस थी, वहां आपने वहां से हटा लिया, ठीक है। सपोज ये कोई जोन रहा होगा, इस जोन पे आपने मिलिट्री भेजी हुई थी, वहां मिलिट्री थी, वहां से आपने मिलिट्री को हटा दिया, तो डीमिलिट्राइज कर दिया। सो इसी चीज से आज के न्यूज़पेपर में आपने द हिंदू में ये चीज देखी होगी, बच्चे द हिंदू वोकैब कर रहे हैं आज हम, और आज 20th है हमारी, आज की ही डेट की कर रहा हूं मैं, ये नहीं कि प्रीवियस करा रहा हूं, ठीक है। तो डीमिलिट्राइज आपने उस चीजों को किया है, क्लियर हो गया जी। एक दो बच्चे को ये भी बहम रहता है, सर रिकॉर्डिंग क्लास पहले कभी वोकैब पढ़ी होगी, वो तो नहीं डाल देते हैं, वो तो नहीं हो रही है बेटा, ये वो नहीं है, देख लो, तभी तो मैं डेट बता के चल रहा हूँ। आज का न्यूज़पेपर उठाना द हिंदू, उसमें एडिटोरियल पेजेस पे आप जाओगे, एडिटोरियल पेजेस में आपको दिखाई दे जाएंगे सारे वर्ड्स मेरे बच्चे, ठीक है। चलो कमेंट यहाँ पे देखो, सो डिमिलिट्राइज का मतलब हो गया रिमूव मिलिट्री फोर्सेज फ्रॉम एन एरिया, और डिमिलिट्राइज को देखेंगे तो डियर कैसे यूज करोगे एज अ वर्ब। अब ये कोई जोन था जिसमें मिलिट्री थी, आपने उस जोन में से मिलिट्री हटा दी, सो आप इसको कह सकते हो इस जोन को आपने क्या कर दिया, मिलिट्री हटा दिया, तो इसलिए मैं कह सकता हूं डीमिलिट्राइज्ड जोन का मतलब ये जोन जो है अपने आप में नाउन है, ठीक है, ये अपने आप में वर्ब की कौन सी फॉर्म है, थर्ड फॉर्म है। डेरे थर्ड फॉर्म काम किसका कर रही है, एडजेक्टिव का काम कर रही है। डीमिलिट्राइज जोन का मतलब हो गया वहां से आपने क्या कर लिया, फोर्सेस को हटा लिया, ठीक है ना। जैसे ब्रोकन पेन, पेंटेड वॉल, तो अगर मैं पेंटेड वॉल लिखता हूं माई डियर, अगर मैं पेंटेड वॉल लिखता हूं, सो वॉल तो नाउन हो गया बट ये तो एडजेक्टिव हो गया, ठीक है ना। 11 वाले बच्चों को तो पता ही है, बाकियों को मेरे बच्चों को पता ही है, पेंटेड वॉल में वॉल नाउन हो गया, तो पेंटेड तो डियर एडजेक्टिव हो गया, भले ही वर्ब की थर्ड फॉर्म है बट ये पास्ट पार्टिसिपल होता है, अभी नहीं समझोगे, एडजेक्टिव तो हो गया। ऐसे ही डीमिलिट्राइज्ड जोन, जोन नाउन हुआ तो डीमिलिट्राइज्ड वहां पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, जो हालांकि डीमिलिट्राइज करने का मतलब एज अ वर्ब लिया जाता है, रिमूव मिलिट्री फोर्सेस फ्रॉम एन एरिया, किसी एरिया से मिलिट्री फोर्सेस को हटाना, ठीक है जी। डस्टर दूसरा दो ना, ये वाला ठीक है, इससे भी मिट रही ना, न्यू बोर्ड है ना। चलो डियर एक काम करो, आप स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं इसको हटाता हूं, स्क्रीनशॉट लो भाई फटाफट, कॉपी मत करना। काफी इतना टाइम, ठीक है, इसको हटाता हूं, डस्टर काम नहीं कर रहा ना इसमें। चलो डियर देखते हैं आगे की बातचीत को समझते हैं। सो ये वर्ड है, दिखेंगे आपको और एग्जाम में आती है वो कैब। डियर दो टाइप के वो कैब है, ट्रेडिशनल और न्यूज़पेपर। बेसिकली ट्रेडिशनल वो कैब तो आनी है, जो मैं आपको हमेशा कराता रहता हूं, और ये हमारी आप जानते हो, इसको हम बोल के चलते हैं अपना न्यूज़पेपर वो कैब, इसका भी अपना पार्ट है एग्जाम में, सीखनी आपने दोनों है। और बेटा आहिस्ता आहिस्ता फिर ये हो जाएगा, मैं थोड़ी क्लासेस रख दूंगा एडिटोरियल पेज कैसे पढ़ना है, और पढ़ना क्या है यार, आपको अगर सेंटेंस मेकिंग आ जाए और वर्ड पावर आपके पास है, सो इट्स हार्डली मैटर कि आपको सीखना पड़ेगा कैसे एडिटोरियल पेज पढ़ा जाता है, बहुत आसान है भाई। आप हिंदी का कोई एडिटोरियल पेज पढ़ना थोड़ा ना सीखोगे मेरे से, क्योंकि हमारी मातृभाषा हमें पता है, अब इंग्लिश की इतनी औकात थोड़ी ना है यार कि वो समझ नहीं आएगी, ठीक है। तो उसको भी जैसे एडिटोरियल पेज पढ़ोगे वो कैब आपके पास है, समझ आना स्टार्ट हो जाएगा, सिंपल है माय डियर। चलो आगे देखते हैं, हमने चार वर्ड कर लिए, फिफ्थ वर्ड देखते हैं, ये वर्ड है हमारा पोस्चरिंग। अभी सर पोस्चरिंग क्या होता है, ध्यान से सुनो, पोस्चरिंग को एज अ नाउन आप यूज करते हैं, पोस्चरिंग को एज अ नाउन आप यूज करते हैं, जिसका मतलब क्या है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वर्ड है, टेक्निकल है, ध्यान से सुनने की कोशिश करना। पोस्चरिंग करने का मतलब होता है आप लोगों को वो विश्वास दिलाना चाहते हो जो सच तो नहीं है, बट आप लोगों को विश्वास दिला रहे हो हाँ यही सच है, इसको आप करना बोल देते हैं पोस्चरिंग करना, क्लियर हो गया। मतलब ऐसी आप स्पीच देते हैं या आप बेटा कमेंट प्लीज छोड़ दो सेकंड के लिए, देख लो, सुन लिया करो, जब मैं बता रहा हूं ना वर्ड, तो बैच कब आ रहा है, छोटू मोटू बातें पूछते रहते हो, ठीक है, जो लेट आते हैं वो बच्चे अपने सवाल पूछते हैं, फिर तुम अपने आप लग जाते हो, यहाँ ध्यान दिया करो, ठीक है, ध्यान दो यहीं पे, अब छोड़ दो कमेंट, देखता हूं मैं, बट बेटा अगर बीच में जवाब देने लगूंगा वो कैब का फ्लो टूट जाएगा, ठीक है। देखो वापसी आता हो, पोस्चरिंग मैंने क्या बोला, जब आप लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश करते हो कि हाँ ये चीज सच है, बल्कि वो एग्जैक्टली वो सच है नहीं, लोगों को विश्वास ऐसा दिलाने की कोशिश कर रहे हो हाँ हाँ सब सही है। दूसरा सुनो,
कई बार आपका बिहेवियर ऐसा होता है या कई बार आपकी स्पीच ऐसी होती है, होता है ना, कई बार नेता लोग स्पीच ऐसी दे जाते हैं जो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है, कि लोग उससे अट्रैक्ट हो जाए, कि देखो लुभावनी चीज होती है ना, देखो ये है, देखो ये, लोग बेचारे खुश हो जाते हैं उस चीज से। इस तरीके की हरकत को करना क्या कहते हैं? पोस्चरिंग। चाहे आपका बिहेवियर ऐसा हो डियर, चाहे आपकी स्पीच वैसी हो, मैंने बोला ना दोनों, या तो आपका बिहेवियर ऐसा हो या आपकी स्पीच ऐसी हो। और आपकी बिहेवियर और स्पीच का पर्पज क्या है? लोगों को क्या करना? अट्रैक्ट करना। टू अट्रैक्ट करने की कोशिश करना, ठीक है। अट्रैक्ट, चाहे आप उनकी अटेंशन लो, चाहे आप उनकी अटेंशन लेना चाहते हो, चाहे आप उनका इंटरेस्ट लेना चाहते हो, उसके लिए आप यूज करते हैं पोस्टिंग। मतलब यू आर ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव, आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहते हो। किसके लिए? दैट इज नॉट ट्रू। क्लियर हो गया ना? मैं चाहो तो इसको भी लिख दूं, टू मेक पीपल बिलीव दैट इज नॉट ट्रू। लोगों को उस चीज में विश्वास दिलाने की आप कोशिश करते हैं जो एग्जैक्टली सच है ही नहीं, उसके लिए भी आप यूज कर लेते हैं पोस्चरिंग। पोस्चरिंग एज अ नाउन यूज होगा। क्लियर हो गया डियर? सो जिनके एग्जाम्पल की जरूरत होगी मैं कराते हुए चलूंगा। इसके बेटा कोई एग्जाम्पल की जरूरत नहीं है, सिंपल सा सेंटेंसेस है। आप बोल दो द पोस्चरिंग ऑफ दैट मिनिस्टर, इसका मतलब उस मिनिस्टर ने कुछ स्पीच दी होगी, इसका बिहेवियर ऐसा होगा, ही इज ट्राइंग टू मेक पीपल बिलीव दैट पर्टिकुलर थिंग, दैट इज नॉट ट्रू। उस पर्टिकुलर चीज को वो सच बनाने की कोशिश कर रहा है जो हालांकि सच है नहीं, उसके लिए यूज होता है पोस्चरिंग, ठीक है जी। टेक्निकल यूज देखना मेरे बच्चे वर्ड का, ये नहीं कि आप कितने वर्ड कर रहे हो, ये देखो आप इफेक्टिव कितना कर रहे हो, ठीक है। अगला वर्ड देखो, ये सिंपल था, इसमें भी मैंने डी का मतलब क्या था? हटाना। याद आया ना डी का मतलब क्या था? हटाना। अब मुझे बताते हुए चलना, मैंने ये क्या लिखा, इसको हटा के पढ़ो तो क्या लिखा? वेरी गुड, न्यूक्लियर। अब लिखा ना न्यूक्लियर, बेटा यहां ध्यान दो, बोर्ड पे देखो, कमेंट छोड़ो, न्यूक्लियर, ठीक है। फिर मैंने इसको नाउन बनाने के लिए क्या लगा दिया? ISATION। तो आपको पता है न्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियराइजेशन पे क्या कर दिया? डी, न्यूक्लियराइजेशन। ये भी आज के न्यूज़पेपर में आपको दिखा होगा, ठीक है, 20 तारीख, आज की बात कर रहा हूं मिर्चे में। डी न्यूक्लियराइजेशन, न्यूक्लियर से हमारा मतलब था वेपन से, और डी न्यूक्लियराइजेशन करना मतलब वेपन्स को फिर बैन लगा देना या वहां से वो वेपन्स हटवा देना, उसके लिए आप डी न्यूक्लियराइजेशन बोलते हैं। बेटा TION लगा है तो ऑब्वियसली इसको किस में चेंज किया गया होगा मेरे बच्चे? नाउन में। तो आप क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? टू रिमूव, या तो रिमूव कर देना और बैन कर देना, ठीक है, किसको? न्यूक्लियर वेपन को, न्यूक्लियर वेपन्स को बैन कर देना या रिमूव ही कर देना, ठीक है। फ्रॉम कहां से? कहीं से भी, जहां पे भी आप लिखना चाहो, कहीं से भी, उसको डी न्यूक्लियराइजेशन बोल देंगे। आसान वर्ड है, आसान आपको समझ आया होगा डी का मतलब क्या था और न्यूक्लियराइजेशन का मतलब क्या था, ठीक है मेरे बच्चे। अगले वर्ड पे बढ़ जाएं। चलो जी, बात करते हैं 7 वाले वर्ड की। अब इसमें क्या है, ये देखो होता है डी, ठीक है, और मैंने बोल दिया फैक्टर, डी फैक्टर। अब ये सर डी फैक्टर क्या होता है? सबसे पहले इसकी चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं मेरे बच्चे। जो डी फैक्टर होता है वो भी एज अ नाउन यूज किया जाता है। अब डी फैक्टर का मतलब क्या होता है? डी फैक्टर का मतलब है जब कोई भी इंसान किसी कंट्री को या किसी पार्टी को छोड़कर कोई दूसरी कंट्री या पार्टी ज्वाइन कर लेता है जो पहले वाले पार्टी के बिल्कुल अपोजिट खड़ी हुई थी, मतलब विपक्ष को ज्वाइन कर लेता है बेसिकली, उसके लिए डिफेक्टर यूज किया जाता है। क्लियर है ना? डिफेक्टर, डिफेक्टर। सो डिफेक्टर का मतलब हो गया कुछ ना कुछ, मैंने बोला समवन हु लीव्स, ठीक है, जो क्या करता है, छोड़ता है। समवन हु लीव्स अ कंट्री और पार्टी, किसी कंट्री या पार्टी को जो है छोड़ता है। पार्टी से मतलब है डियर वहां पॉलिटिकल पार्टी, अगर आप लिखना चाहो ना, पार्टी से मतलब ये नहीं है रे घर की पार्टी छोड़ रहा है, पॉलिटिकल पार्टी लिख देता हूं भाई, तुम्हारा नहीं पता, छोड़ो, आज वैसे भी शनिवार वाली रात है, तुम्हारा पार्टी का मूड होगा, पार्टी वार्टी पे जाना नहीं मतलब, बेटा अभी कोरोना चल रहा है, बच के रहो, बता रहा हूं मैं।
पॉलिटिकल पार्टी, सो समवन हु लीव्स अ कंट्री और पॉलिटिकल पार्टी, या तो पॉलिटिकल पार्टी या कंट्री को लीव करता है, छोड़ देता है। और अभी अभी मैंने एक वर्ड बोला, ऐसा वो क्यों करता है, स्पेशली टू ज्वाइन, किसको ज्वाइन करेगा, जो अपोजिट है, जो उसके अपोजिंग वन है उसको ज्वाइन कर लेता है, टू ज्वाइन एन अपोजिंग वन, तो उसको बोल देते हैं डिफेक्टर। ठीक है जी, जैसे हमारे सिद्धू साहब थे, उन्होंने क्या किया था, नवजोत सिंह सिद्धू ने शायद पहले किसमें थे, बीजेपी, फिर किसमें आ गए, कांग्रेस, तो उसके लिए वर्ड यूज कर लेगा ही इज अ डिफेक्टर, आप इस तरीके से इसको यूज करके चलोगे। ठीक है जी, आसान हुआ, लो स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं आगे कर रहा हूं, ठीक है ना, इतना टाइम काफी है, साइड में आ जाएगा आपके। चलो अगले वर्ड को देखते हैं, फिर आज के न्यूज़पेपर में ऐसा और कौन सा वर्ड था जो हमारे पढ़ने लायक था, सारे वो वर्ड, देखो वर्ड एग्जामिनर कौन से लेगा, जो इजी हैं बच्चे वो मुझे पता ही, आपको पता होगी, उनको मैं उठाता नहीं हूं, हाँ जो एग्जाम में आ सकते हैं, आने लायक है, इंपॉर्टेंट वर्ड्स में न्यूज़पेपर से उठाता हूं। चलिए जी, बाकी बात करते हैं एट्थ वर्ड की, एट्थ वर्ड क्या यूज हुआ था। देखो जी, इस वर्ड को एक बार पढ़ के देखना, इंटरेस्टिंग है और एग्जाम में आने के चांसेस भी हैं, इसलिए इसके मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर रहा हूं। प्रोपेगेंडा, प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, देखो प्रोपेगेंडा अपने आप में एक नाउन की तरह यूज होता है, बहुत टेक्निकल है, इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया, दूसरा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आएगा डियर। प्रोपेगेंडा का मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्रोपेगेंडा का मतलब होता है जब कोई आइडिया या कोई इमेज उस आइडिया से रिलेटेड थी, या कोई पॉइंट ऑफ व्यू, मतलब ओपिनियन था, कुछ भी, जब कोई ओपिनियन हो, कोई आइडिया हो, कोई स्पीच हो, ठीक है, वो आप पब्लिश कर दो, बट वो जो पब्लिश आपने की है वो एक साइड है आर्ग्यूमेंट की, दूसरी साइड नहीं। देखो मेरे बच्चे, सपोज किसी भी कंट्री में कुछ भी हुआ जिस पर बहस हो सकती थी, आर्ग्यूमेंट हो सकती थी, सो एक इधर से साइड वन, इस साइड के लोग भी कुछ बोलेंगे, एक साइड टू, इस साइड के लोग भी कुछ बोलेंगे, भाई इन्होंने भी कुछ बोला, इन्होंने भी कुछ बोला, आपने उसको पब्लिश कर दिया, सही है, तो एक साइड की ओपिनियन पब्लिश किया, दोनों साइड की, आपने बोला सर इस साइड की भी, इस साइड की भी, ठीक है। अब मेरे बच्चे, प्रोपेगेंडा क्या कहता है, प्रोपेगेंडा कहता है जब किसी चीज पर आर्ग्यूमेंट हो सकती है, कोई भी चीज आर्ग्यू करने लायक है, बट आपने क्या किया, किसी भी एक साइड के पॉइंट ऑफ व्यू को, किसी भी एक साइड के आइडिया को पब्लिश कर दिया, उसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। सो प्रोपेगेंडा का मतलब जब सिर्फ एक ही साइड के आइडियाज, ओपिनियन, पॉइंट ऑफ व्यूज आ गए हो, दूसरी साइड से भी पूछा ही नहीं है, और उन्हीं को हाईलाइट कर दिया ताकि आपको तारीफें बटोरने में मिल जाए, इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। दिस इज अ टेक्निकल वर्ड, सो माई डियर स्टूडेंट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस वर्ड, क्लियर हो गया ना। सो प्रोपेगेंडा का मतलब समझ आया होगा, मैं इस चित्रकारी को भी छोड़ देता हूं जिस टाइप से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। सो डियर, ये किस किस से रिलेट कर रहे हैं, चाहे इंफॉर्मेशन हो, चाहे आइडियाज हो, चाहे पॉइंट ऑफ व्यू हो, ठीक है, आप किसी के लिए भी इसको यूज कर सकते हो, चाहे ओपिनियंस हो, कुछ भी, ये चीज, चाहे इमेजेस हो उस टाइप से रिलेटेड, ठीक है, बट वो टू साइडेड नहीं, किसी भी चीज की वो सिर्फ और सिर्फ क्या थी डियर, वन साइडेड वो बात कर रहे हैं, उसके लिए हम यू बोल देते हैं। सो ओनली गिव, बेटा कमेंट नहीं, यहां पे ध्यान दो, वन पार्ट ऑफ एन आर्ग्यूमेंट, किसी भी आर्ग्यूमेंट का वन पार्ट, क्लियर हो गया, और जिसको क्या करना है, पब्लिश्ड, याद रखना, वन पार्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट, और यहां लगा देता हूं है पब्लिश्ड, उसको ही पब्लिश करना, ठीक है, उसको ही पब्लिश करना। सो इसको बोलते हैं प्रोपेगेंडा। जब ज्यादातर ऐसा कब होता है, ज्यादातर ऐसा पॉलिटिकल इश्यूज में होता है, जब सिर्फ एक ही पार्टी अपने पॉइंट ऑफ व्यूज को पब्लिश करा देती है, चुनाव के टाइम भी देखते हो, और इन्हीं को हाईलाइट करने की कोशिश करती रहती है, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, हमने अच्छा किया, उसके लिए प्रोपेगेंडा। आपने कई बार वर्ड ये न्यूज में सुना होगा, ठीक है, और आपने न्यूज पेपर में तो देखा ही होगा, ठीक है, इस वर्ड को याद रखना, टेक्निकल था, एग्जाम में पूछ सकता है डियर, इसलिए मैंने आपका ये करा दिया। चलो मेरे भाई, देखते हैं बच्चे नाइन्थ वर्ड क्या था, ठीक है, इसके बाद नाइन्थ वर्ड बिल्कुल इजी है, ये है जी रोल बैक करना। रोल बैक भी एज अ नाउन यूज किया जाता है, रोल बैक, अब आप इसका मीनिंग से ही समझ सकते हो,
रोल बैक, वापसी आप रोल कर रहे हो, तो कोई चीज बढ़ नहीं रही होगी, कोई चीज घट रही होगी, इसके लिए तो आप मूव फॉरवर्ड नहीं कर रहे होगे, आप मूव बैकवर्ड कर रहे होगे। सो इसका मतलब निकल के आ जाता है मूविंग बैक। किसी भी चीज में आप इसको रिलेट कर सकते हो। अब इसको किसी भी चीज से रिलेट करोगे ना तो उसका मीनिंग निकालना। सपोज एक बात बताओ, प्राइस है, प्राइजेस है, सो उनमें इंक्रीज हुआ होगा या रिड्यूस हुआ होगा? रिड्यूस हुआ होगा, क्या हुआ होगा? आपने बोला वेरी गुड सर, रिड्यूस इन प्राइस। प्राइस में तो रिडक्शन आई होगी ना, इंक्रीज तो ही नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि वो रोल बैक हुआ है। सो पुराने साल के प्राइस आप वापसी ले गए किसी चीजों के, तो उसको रोल बैक करना, उसके लिए आपको एज अ नाउन देर इज अ रोल बैक इन प्राइजेस कुछ भी इस तरीके से यूज आएगा। और आप समझ जाना जब वो रोल बैक लिख रहा है तो उसका मतलब क्या है, मूविंग बैक। क्लियर हो गया? चलो माय डियर, तो ये थे नाइन्थ वर्ड। स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगा ही, वीडियो आपके पास सेव है मेरे बच्चे। हटाता हूं मैं, एक और वर्ड इंटरेस्टिंग सा लेते हैं, समझते हैं उन चीजों को आगे। ठीक है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा रात को? ओ छोरे, वीकेंड में बताओ। बेटा मेरी तबीयत खराब थी, मैं तब भी आया, मैंने सोचा शनिवार है, बच्चे बिल्कुल मेरा इंतजार करेंगे कि सर टाइम हो गया है, सर आएंगे आएंगे लाइव, तो इसलिए मैं आया। ठीक है, बताओ मेरे बच्चे मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाथ उठाओ, हैंड रेज करो फटाफट। ये जुनून है जिसकी वजह से मैं लाइव आता हूं। बहुत अच्छे मैडियर, बहुत अच्छे, गॉड ब्लेस यू ऑल। चलिए मेरे बच्चे बढ़े आगे, देखिए जी आगे। एक बच्चा कहता है सर ये हमारी लाइक्स हो जाती है, हजार लाइक होती हैं, ये 2, 3, 5, 7, 10 ये डिसलाइक कौन करता है? ये कौन करते हैं बेटा? दूसरे चैनल वाले होते हैं, वैसे कर लेते हैं, तुम टेंशन क्यों पालते हो बेटा? ये साइड नहीं देखनी, ये देखनी होती है। अरे चाहने वालों की गिनती करो, नफरत करने वाले तो हर कदम पे टकराएंगे। क्लियर हो गया? ठीक है जी, इसी में रखना बेटे। हमारा क्या होता है ना, हमारी मेंटेलिटी होती है, हम नेगेटिव साइड देखते हैं, कभी मत देखा करो। इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो आपसे ढेर सारा प्यार करते हैं, सिर्फ उनके बारे में सोचो। हमारा परिवार, हमारे अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी, अच्छे रिश्तेदार, अच्छे पड़ोसी, बेकार की बात नहीं कर रहा, सिर्फ उन पे ध्यान दो, लाइफ बहुत खुश रहेगी। और आपका गुरु तो आपके साथ है ही। सो कीप स्माइलिंग, ऑलवेज रिमेंबर दैट थिंग, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स, चलो आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा था एक और टेक्निकल वर्ड जो है आज का हमारा 10th, ये है जी स्टॉल। आप लोग ये क्या सिंपल सी चीज करा रहे हो सर, स्टॉल तो अपने को पता है। मैंने बोला क्या होता है? कहता है नाउन की तरह यूज किया जाता है, हाँ, जिसको हम दुकान बोल देते हैं। ठीक है जी, जिसको हम नॉर्मल शॉप बोल दो, दुकान बोल दो हिंदी में, हम उसको क्या बोल देते हैं? दुकान बोल देते हैं सर, ये तो सिंपल है। मैंने बोला बिल्कुल जी, बट ये तो मेरे को नहीं कराना। कहते तो आप क्या कराओगे? मैंने बोला बेटा जो स्टॉल होता है वो न्यूज़पेपर में एज अ वर्ब यूज करके दिया हुआ था, स्टॉल एज अ वर्ब दिया हुआ था, और हमने इसको ज्यादातर कैसे देखा है? एज अ नाउन। चलो मीनिंग देखते हैं, स्टॉल का मतलब क्या होता है। देखो स्टॉल का जो मीनिंग है वो अपने आप में दो होते हैं, मीनिंग फर्स्ट मीनिंग देखते हैं। स्टॉल का मतलब क्या होता है? टू स्टॉप वर्किंग, काम करना रोक देना, टू स्टॉप वर्किंग। बट ये याद रखना, वर्किंग के साथ सडनली लगाना मत भूलना, सडनली, टू स्टॉप वर्किंग। जैसे किसी गाड़ी के इंजन थे, चल रहे थे, वो एकदम से रुक गए, तो स्टॉप वर्किंग सडनली काम रोक देना। या हो सकता है आपने रोके हो, ऐसा भी हो सकता है कि आप स्टॉप कर दो, टू स्टॉप वर्किंग सडनली, और याद रखना टू स्टॉप वर्किंग। किसी भी काम को मतलब किसी भी चीज को कर रहे हो आप, वर्किंग में है ऑलरेडी वो इंजन, सपोज कार चल रही है, उसके इंजन को आपने ब्रेक मारा तो रुकेंगे, उसको स्टॉल करना, या वो सडनली रुक जाए अपने आप, उसको भी स्टॉल। तो दोनों टाइप में आप रोको या वो रुकें, उसके केस में, दोनों के केस में आप स्टॉल यूज कर सकते हो एज अ वर्ब। ठीक है, जैसे मैंने बोला अ कार मे स्टॉल, कार क्या की जा सकती है? रुक सकती है, मे स्टॉल बिकॉज ऑफ अ ड्राइवर। किसकी वजह से? बिकॉज ऑफ अ ड्राइवर। ठीक है, ड्राइवर क्या करेगा? ब्रेक कर देगा, ड्राइवर ब्रेकिंग सडनली।
कोई भी सपोज ड्राइवर है वो सडनली ब्रेक मार देगा तो वो क्या कर जाएगी, कार मे स्टॉल, मतलब स्टॉप करना डियर। तो स्टॉप करने के लिए आप क्या कह सकते हो, स्टॉल। कोई भी चीज काम में है उसको रोकना, उसके लिए आप यूज करते हो वर्ब स्टॉल। चलो, बट आपने कहा सर ये तो आप पहला मीनिंग बता रहे हो, मतलब इसका कोई और भी है? बिल्कुल है मेरे बच्चे, स्टॉल का एक मीनिंग और है। स्टॉल एज अ वर्ब ही यूज होती है, ठीक है, जिसका मतलब होता है डिले करना, टालना, किसी चीज को टाल कर डिले करना, डिले करने की कोशिश करना, उसके लिए भी आप स्टॉल यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे स्टॉल यूज कर सकते हो, सपोज करो आपने एक एग्जांपल से सुनो, ही सेज दैट ही विल गिव मी माई मनी नेक्स्ट वीक, बट आई थिंक ही इज स्टॉलिंग। देखा ना भाई, वो कहता है कि वो मेरे पैसे दे देगा अगले वीक, ठीक है, बट मुझे क्या लगता है, मुझे लगता है ही इज स्टॉलिंग। इसका मतलब मुझे लग रहा है वो टाल रहा है काम को। सो टालना, डिले करना, इस तरीके से आप स्टॉल यूज कर सकते हो, एक मीनिंग हुआ। दूसरा डियर स्टॉल का एज अ वर्ब मीनिंग हुआ, किसी भी चीज को चल रही है उसको रोकना या वो सडनली रुक जाए, ठीक है। और एक मीनिंग आप बच्चे को पता है, एज अ नाउन दुकान होता है, एज अ वर्ब उसके दो मीनिंग होते हैं। क्लियर हो गया? जो न्यूज़पेपर में आज स्टॉल आप देखोगे पढ़ोगे तो वो इस तरीके से आपको वर्ब में यहां डिले करने के लिए कोशिश में उनको वहां पर यूज किया गया था स्टॉल को, ठीक है जी। माय डियर स्टूडेंट्स, आनंद आई थिंक आपको आया होगा। एक काम करो, स्क्रीनशॉट लो, फिर मैं बात करता हूं। कॉपी मत करना प्लीज, स्क्रीनशॉट लेना, कॉपी ना करे कोई भी, ठीक है, काफी है ना इतना कम टाइम मिला क्या? देखिए रिकॉर्ड रहेगी आपके पास, वीडियो सेव रहेगी मेरे बच्चे। सो ये थे आज के द हिंदू की वोकैब। पांच वर्ड और हैं जो मुझे लगा सिर्फ आप पढ़कर उन्हें याद रख लोगे, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है उन वर्ड्स को। इन सारे वर्ड्स की प्लस पांच एक्स्ट्रा और वर्ड हैं, उनकी आपको एक प्रॉपर इमेज मिलेगी बहुत अच्छे तरीके से बनाई हुई मेरे टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय जयदीप सिंह पे। हेडलाइन भी आपको दिखेगी, जो आज की डेट आपको दिखेगी, आज का ही न्यूज़पेपर द हिंदू मैंने उठाया था, उसी से आपके सारे वर्ड हैं। इमेज मैंने वो मॉर्निंग ही डाल दी थी, वर्ड अभी रात को लाइव आके आपके साथ डिस्कस किए हैं। रात को मेरा आने का मतलब एक ही होता है डियर, ताकि आप गुरु को देखें और पूरी रात पढ़ें। सो सेशन मेरा खत्म हुआ है, बीमार आपका गुरु है, आप नहीं हैं। सो मेरा गला खराब है, आपका नहीं है। सो आराम से अपना बैठो, स्टडी करो, हल्का खाओ, ताकि ज्यादा से ज्यादा रात तक आप पढ़ पाओ। क्लियर हो गया? सो बाय बाय माय डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखें, घर वालों का ख्याल रखें। आप सबके लिए मेरा ढेर सारा प्यार, मेरी ढेर सारी दुआएं कि आपको आपकी जॉब जितनी जल्द हो सके मिले, और जो भी आप जॉब चाहते हो उससे और बेहतर भगवान आपको दे। बाय बाय, हेल्थ का ध्यान रखें प्लीज, हेल्थ का ध्यान रखना, ठीक है। चलिए जी, गला खत्म, कल मुलाकात करते हैं संडे वाले दिन, वही 9:45 10 बजे तक ही आ जाऊंगा, ठीक है, लाइव, फिर गल्ला करते हैं। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।